आपको किराना दुकान का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप किराना दुकान या जनरल स्टोर की दुकान कहीं पर भी शुरू कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर किराना दुकान या जनरल स्टोर की दुकान शुरू कर दोगे। आई कुछ ऐसी जगह होती है जहां अगर आप किराना दुकान या जनरल स्टोर का बिजनेस शुरू भी करते हो ना, तब भी उस बिजनेस से आप उतना अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां आपका किराना दुकान बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले आता है होलसेलर। आप अगर अपनी दुकान किसी होलसेलर के आसपास खोलते हो तो ऐसे में आपके दुकान पर बिक्री बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि भाई अगर आप चीनी यानी कि शक्कर को 40 रुपए किलो में बेचोगे और वहीं वो होलसेलर उसे 38 रुपए किलो में बेचेगा तो इसमें आपका मार्जिन ही नहीं रहेगा यार, तो आप कमाओगे क्या। फिर दूसरा आता है हमारा सुपरमार्केट या सुपर ग्रोसरी स्टोर। देखो भाई, आप किराना दुकान शुरू करने वाले हो लेकिन उस जगह के आसपास पहले से ही कोई एक बड़ा सुपरमार्केट है या फिर सुपर ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है, तो ऐसी जगहों पर आपको दुकान पर उतनी अच्छी दुकान नहीं चल पाएगी। तीसरा आता है हमारा गली या मोहल्ले। आप जहाँ रहते हो उस गली या मोहल्ले में पहले से ही 2-3 दुकानें तो होंगी ही, और अगर आप अपनी गली या मोहल्ले में ही दुकान खोलते हो तो ऐसे में आपको उतना अच्छा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप किसी सामान को 10 रुपए में बेचोगे तो आपके सामने दुकान वाला उसे 9 रुपए में बेचेगा, आपका मार्जिन भी लो हो जाएगा। तो क्या आप भी जानना चाहते हो कि किराने की दुकान किस जगह पर सबसे ज्यादा चलती है? तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर करना, और किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।